सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजी टेक वर्ल्ड। फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने वाला इंटरेस्टिंग चीज। तो गाइस आप देख सकते हो ये वीवो का फोन है, ये ऑन है, चालू है फोन हमारा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। गाइस इस फोन को मैं जमीन के अंदर दफन करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस अब सोच रहे हो दफन क्यों करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या जमीन के अंदर दफन होने के बाद जब हम फोन कॉल करेंगे तो क्या नेटवर्क काम करता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने काफी ढेर सारी प्लास्टिक वगैरह ले कैरी बैग से, और हमारे पास कुछ लगता है कि 50-60 होंगी ये प्लास्टिक बैग, ठीक है। और इन प्लास्टिकों में इस मोबाइल को भरने के बाद और बांध करके इस जमीन के अंदर मैं कम से कम 1-1.5 फुट गड्ढा खोदूंगा, और उसके अंदर इसकी मदद से मैं गड्ढा खोदने वाला हूँ, और उसके अंदर इस फोन को मैं दफन करने वाला हूँ, और ठीक है। और फिर दफन करने के बाद हम फोन कॉल करके टेस्ट करेंगे कि क्या नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए। तो भाई जैसा कि हमने गड्ढे को खोद दिया, ठीक है। अब आती है बारी हमारे इस फोन को हम इसमें दफन करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि प्लास्टिक में उसको पैक करने वाला, ठीक है, मोबाइल को जल्दी से निकालता हूँ। चलते हैं मोबाइल को हम प्लास्टिक बैग के अंदर इसको भर करके इसके अंदर हम दफन करने वाले, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पहले दिखा दूंगा फोन ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अब भाई ये फोन जो है हमारा ये ऑन है, ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हैं आपको ये फोन हमारा ऑन है, ठीक है। और इसको हम इसमें दफन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले भाई मैं आपको फोन करके कॉल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि चालू है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे फोन चालू है हमारा, ठीक है। और इसको हम दफन करने वाले हैं जमीन में, ठीक है। और ये टेस्टिंग करने वाले हैं क्या है, जैसे अभी नॉर्मली फोन लग गया, क्या जमीन के अंदर दफन होने के बाद भी ये ऐसे कॉल लग जाएगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। ये टेस्ट करवा, चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम पैक करते हैं, ठीक है। हम फोन पहले पैक कर देते हैं, ठीक है। इस फोन को हम इस प्लास्टिक बैग के अंदर हम काफी ढेर सारे प्लास्टिक है हमारे पास, ये देख सकते हो आप, देख सकते हो हमारे पास काफी ढेर सारी है, ठीक है। इन सभी प्लास्टिकों में हम इस मोबाइल को पैक करने वाले, ठीक है। और इसको हम ऐसे फोल्ड करके ढेर सारे प्लास्टिकों में हम इसको पैक करने वाले, पूरा प्लास्टिक, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अब इस फोन को मैं इस मिट्टी के अंदर डालने वाला हूं और देखने वाले हैं कि क्या ये फोन दफन होने के बाद ये नेटवर्क में रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। फोन करके चेक करेंगे, ठीक है। फोन जो है इस मिट्टी के अंदर दफन हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अब बारी आती है गाइस कॉल करके चेक करते हैं कि क्या ये फोन लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। गाइस चलिए हम इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है, क्या ये बचता है कि नहीं बचता, ठीक है। गाइस मैंने इसको कॉल लगा दिया है, गाइस बज रहा है, गाइस ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो गाइस अब जैसा कि देख रहे हैं कि मिट्टी के अंदर दफन होने के बाद भी ये फोन जो है ऑन है और वाइब्रेट भी कर रहा है और रिंगटोन भी हमें सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपने सुना था। फिर से मैं सुना देता हूँ आपको, उधर जैसे मैं फिर से आपको सुना दे रहा हूँ, आप सुन सकते हो। जैसे गाइस आप सुन रहे हो कि फोन जो है अभी भी इस नेटवर्क में है, ठीक है। काफी इसका जो नेटवर्क कनेक्शन जो है काफी मजबूत है गाइस, ठीक है।